नमस्कार दोस्तों, एसके हर्ब यात्रा में आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आईबीएस में केले का क्या महत्व है, क्या केला आईबीएस वाले पेशेंट को फ़ायदा करेगा या नुकसान करने वाला है। दोस्तों देखिए, अगर व्यक्ति को लूज मोशन लगातार बने हुए हैं तो वह केले का सेवन लगातार कर सकता है, उसको कोई भी समस्या नहीं होगी। लेकिन जिस व्यक्ति को आईबीएस कॉन्स्टिपेशन वाला है तो उस व्यक्ति को केले का सेवन नहीं करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन वाला मतलब जिस व्यक्ति को लगातार 3 या 4 दिन बाद मोशन आते हैं, मतलब उस व्यक्ति को केले का सेवन फिर नहीं करना चाहिए। और जिस व्यक्ति को लूज मोशन लगातार बने हुए है, आंतों में सूजन लगातार बनी हुई है या फिर पेट में आव बनता है, गुड़गुड़ लगातार बना रहता है, तो केला जो है आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। जिस व्यक्ति को केला खाकर गैस बनती है, जिस व्यक्ति को गैस की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो वह केले का सेवन फिर ना करे। और जिस व्यक्ति को गैस की कम समस्या है तो केले के साथ इलायची का सेवन अगर करते हैं तो उसको गैस की समस्या कम हो जाएगी। और ये गैस के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। लेकिन जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गैस बनती है तो फिर वो केले का सेवन ना करे। जिस प्रकार की वात दोष हो जाता है तो वो केले का सेवन फिर ना करे। उस जगह वो बेल का सेवन कर सकता है, अनार का सेवन कर सकता है, लेकिन केले का सेवन ना करे। और आँव बनते हैं, आंतों में सूजन बनी रहती है और लूज मोशन लगातार बने रहते हैं, तो केले का सेवन आप दही के साथ भी कर सकते हो तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा करेगा। आप अगर दही के साथ करते हो तो दही में जो गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं, केला जो है आंतों की सूजन को भी कम करता है, तो ये दही के साथ इस्तेमाल करने से आपके पेट में फ़ायदा देता है। लेकिन व्यक्ति को गैस की समस्या है तो उसमें यह उल्टा काम कर सकता है, तो उसको सोच समझ कर ही ये खाना चाहिए जिसको ये डाइजेस्ट हो जाए। अगर डाइजेशन में प्रॉब्लम कर रहा है तो यह नहीं खाना चाहिए। खाने के बाद कई बार व्यक्तियों के भारीपन हो जाता है तो उस व्यक्ति को सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर कॉन्स्टिपेशन लगातार बना हुआ है तो इसका सेवन ना करें। और आईबीएस पेशेंट जिसके लूज मोशन है, जिसके इसमें आँव आती है, लूज मोशन है, लैटरिन फटी फटी आती है, अनडाइजेस्टेड फूड आता है, तो केले का सेवन कर सकते हैं, उसमें बेनिफिट देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, गर्मियों में जिस व्यक्ति को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, समस्या पैदा हो जाती है, तो वह केले का सेवन करता है, या पानी की कमी हो जाती है तो वह केले का सेवन कर सकता है, उससे डिहाइड्रेशन की समस्या का हल हो जाता है। साथ ही साथ ये गर्मियों में ठंडक पहुंचाने का भी काम करता है पेट में, तो यह जो है केला आईबीएस पेशेंट के लिए अमृत का काम कर सकता है। बस जिस व्यक्ति को वात दोष की समस्या होती है तो वो केले का सेवन ना करे, बल्कि यह वात दोष को बढ़ाने में काम करता है। जिस व्यक्ति को वात दोष की समस्या है तो वह इस केले का सेवन ना करे। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ उस व्यक्ति के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जिन व्यक्तियों को अक्सर पेट की प्रॉब्लम बनी रहती है। जाने से पहले दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी प्रकार की वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।